वाह भाई लेविश हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सारे दा? ठीक हो? तो आज मैं आया हूँ अपने नानी घर और मौसम वाह भाई लेविश हुआ है। जिस टाइम आया हूँ ना तो उस टाइम इतनी को तेज बारिश हो रही थी कि आपकी सोच है। ये देखें बीबी, मौसम देख ले, धूप नहीं कर रही है हल्की हल्की लेकिन ठंडक अभी भी वैसे ही है। ये देखें तो अभी मामू को बुलाते हैं बाहर क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट में। तो मामू आने लगे हैं। ये पता है कि नहीं मेरे मामू का? पता है कि नहीं इनका? अगर नहीं पता पर मैं ये दे रहा हूँ आपको आई बटन, ठीक है? इस पर जाके आपने जरूर देखना, ठीक है? तो अभी पूछते हैं इनका हाल चाल। पूछते हैं पहले गड्डी काट ली क्योंकि बैग नट खलोती थी। तो फिलहाल निकलते हैं। हम पियेंगे चाय क्योंकि मौसम अच्छा है। आग लगनी शुरू हो गई है हमें नहीं गैस को। ये भाई ने पतीले में डाल लिए दूध, ठीक है? अब ये हल्का हल्का उबलना स्टार्ट हुआ है और ये प्रॉपर उबाला आ गया हुआ है। इसको जरा छान ले भाई ऐसे। चाय पी गए हम, हो गया फारिग। अब निकलते हैं मार्केट के लिए। मामू ने खरीदना था मोबाइल, इसलिए हम आए हैं मोबाइलों वाली मार्केट में। सिलेक्ट मोबाइल वाले सियालकोट के काफ़ी मशहूर हैं यार ये। तो अभी अंदर चलते हैं, जाके मोबाइल चेक करते हैं। ये मैंने मोबाइल देखा है रेडमी का, ठीक है, 12C। तो ये 4GB रैम 64GB रोम के साथ आता है। बकाया अभी दूसरे मोबाइल देख रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लगा यार। मैंने इस मोबाइल के बाद दूसरे मोबाइल देखे हैं, सैमसंग के भी पड़े हुए हैं, वीवो के भी हैं, तो इन्फिनिक्स का नोट 12 भी पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं कौन सा लेना है यार। काफ़ी मोबाइल देखने के बाद हमने ये मोबाइल देखा है, सैमसंग गलेक्सी A04S। ये अभी न्यू ही आया है, इसको थोड़ी देर हुई है। तो इसकी नेट पे प्राइस चेक करते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी, ठीक है? तो बकाया उसके बाद डील डन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितने में डन होती है, वो भी आप साफ साफ देखते रहना ना भाई। को जब महसूस हुआ ना कि हमने अब ये मोबाइल ले लेना है, तो भाई ने एक पहले डिब्बा खुला हुआ था वो वाला मोबाइल निकाला, कहते हैं आपको मैं चेक कराता हूँ देख लो। और कंडीशन तो यार इसकी काफ़ी अच्छी थी, मैंने पहली दफ़ा मैंने ही पकड़ा था ना इसको, तो काफ़ी स्मूथ था यार ये बैग से भी ना। तो मतलब सही दिल आ गया हुआ है इसके ऊपर ना, तो अब इसकी डील ही बस करनी है, देखते हैं कितने में डन होती है। भाई के बकोल कि ये मोबाइल 48,000 रुपये का है, लेकिन हमने नेट से प्राइस चेक की है वो 46,000 रुपये बता रहा है। तो भाई कहते हैं ऐसा भी नहीं कट करना, हूँ ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसी कट ना कराइए तो कट ना करना, क्योंकि उन्होंने भी चीज़ बेचनी है। तो अभी देखते हैं यार क्या होता है, अभी तो बहस चल रही है हमारी, देखो कहाँ तक जाती है। वो ही सब दुकाने वाली बातें, भाई कहते हैं मैं बस आपसे 500 रुपये ले रहा हूँ, ये आपको सुन लें। इस तरह नहीं यार, मार्केट में तो सब कहते हैं इस तरह नहीं होगा, लेकिन यार अगे 5 घंटे ला के फोन पसंद किया तो हूँ कह रहे ना करो। वेखियो अगला कस्टमर आएगा 50,000 रुपये चुरा के दस दे। भाई भी खड़े हैं कि मैं भी नहीं जान देना यार, तो थले तो हम भी भाई डटे हुए हैं पूरे, असी भी भाई कटा के लैके जावे। भाई कह रहे हैं मैंने देना है 48 का और हम 45 पे, ठीक है? भाई ने लेस की 500 और लेस कर दी 47,500, ठीक है? लेकिन ना भाई, इतने में भी हमें समझ में नहीं आ रही। हमने फिर एक ड्रामा किया कि हम जा रहे हैं, कहते हैं चलो मैं आगे से पूछ के आता हूँ। बिस्मिल्लाह, क्या हुआ है? शुगर ला रहे हो यार, शुगर ला रहे हो। चलिए बन, हाय हाय हाय, दिल टूट गया। चलिए अल्लाह हाफिज। सिस्टम की भैंस की आँख यार, कौन सा सिस्टम है?
नुकसान नहीं होना मैं तुम दस दी। मार्केट में कभी ऐसा हुआ है कोई दुकानदार खुद लॉस करे? नहीं ना होता। 45,550 रुपए गल मोगी डील डन होगी। क्या बात है, छापर छपाओ के 45,700 ठीक है निकाल दो। बड़ा हो गया बड़ा, अब निकाल दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील होगी डन। कटो जी पैसे पैसे कटो जी कट दो जी पैसे पैसे कट। यार ब्लॉगर दी इज्जत रख ले मेरी जान। मैं कहना पर ग्लास ऊपर दा नो अच्छी ला ला ते नाल शीट जरा ना मैं लवा लेना। मैंने की मुझे नुकसान में चले जाना ना फिर अल्लाह हर करे तोड़ा पूरा हो जाएगा। आज ही पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। चुंगे नहीं होता वो है तो आपको 1 मिनट का लगाएं। चैनल कौन सा मैं सब्सक्राइब करूं? इंशाल्लाह भाई का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली कमाई से 1 किलो मिठाई का डब्बा से मास लेकर आएंगे। फिर भी यार क्यों यार इंच ना करो यार। शुक्र है यार हमारी डील हो गई है डन, लेकिन उनकी माननी पड़ी है। 46,500 रुपये में हमारी हुई है डील डन। तो अभी हमारा 1,000 रुपया काम है, तो वो हम इनको करेंगे इजी पैसा। इनका अकाउंट नंबर ले लेते हैं ना, ठीक है जो भी है फिर कर देते हैं इनको। खरीदारी करते हुए तो आपने देख ली है, ठीक है। तो अब अनबॉक्सिंग की बारी, लेकिन वो अब नहीं, वो अगला भी आप देखना है, ठीक है। जाकर जरूर देखना है। अल्लाह हाफिज़।